भाई अगर मुआशरा नहीं मानता तो ना माने, अगर मुआशरा उलमा की इज्जत नहीं करता ना करे, ये इनकी कमबख्ती है। लेकिन देख तो सही अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या अता फरमाया। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अगर कोई आलम बाअमल किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए अल्लाह उसकी बरकत से 7 दिन के लिए अज़ाब उठा लेते हैं। हैं जी भाई अगर कोई नहीं करता तो उसकी कमबख्ती है, ये उसकी बदबख्ती है, वो उलमा की इज्जत नहीं कर रहा। लेकिन देखो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कितना अता फरमाया। आपने फरमाया उलमा के लिए तो पानी की मछलियां भी दुआ करती हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलम बाअमल की ज़ियारत की वैसे जैसे उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने किसी आलम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी वैसे जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, जिसने किसी आलम बाअमल से हाथ मिलाया वैसे जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। ना लोग माने तो ना माने, लेकिन देख तो सही मुस्तफा करीम ने कितना अता कर दिया है। इसलिए अपने बच्चों को आलम दीन बनाओ, आज जरूरत है दीन को जी बनाओ, नहीं तो जी काम वो बहुत कश्ती उम्मत के निगहबां वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके जब वक्त पड़ा है। अजीब हैं दावे उनकी गुलामी के हैं लेकिन अमलन शैतान से यारियां, अमलन यहूदो निसारा की नकल हैं। इसलिए बदलो खुद हैं, बदलो खुद को। वो मोती साहब फरमाने लगे, अब फरमाते हैं कि वो अब तो अल्लाह आपको सलाम, अब तशरीफ रखिएगा सारे ने गुफ्तगू समात फरमाई बस ठीक है। फरमाते हैं कि अब तो मदारस के हालात काफ़ी बेहतर हैं लेकिन उस वक्त तो बड़ी सख्ती थी हजरत। फरमाते हैं हम सारे ना गांव में खाना मांगने जाया करते थे, ठीक है, किसी को गोभी का सालन मिलना, किसी को टींडे मिलने, किसी को कद्दू मिलने, किसी को पालक मिलने, किसी को कुछ मिलना, किसी को कुछ मिलना है। फिर क्या करना, मदरसे में सब ने ला के ना उस सालन को यकजा कर लेना, एक कर लेना, फिर उसी में से सारे मदरसे ने खाना खाना। फरमाते हुआ क्या, एक दिन के बारिश बड़ी बरसी, तूफानी बारिश, जहर है पक्की गलियों का तो तसव्वुर भी नहीं था। फरमाते कोई भी खाना मांगने नहीं जा सका, सारा मदरसा भूखा बैठा है। फरमाते जैसे बारिश थमी शेखुल हदीस साहब तशरीफ ले आए, देखा सारा मदरसा भूखा है। फरमाते फरमाने लगे कि जाओ सारे अपने अपने बर्तनों में ना नल से पानी भर के लाओ। कहते हम पानी भर के लाए, कुएं से या नल से पानी भर के लाओ, भर के लाए। कहते हजरत ने सबके बर्तन सामने रख के ना आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आपने पानी पे फूका, तो मोती साहब फरमाते हैं वो दूध बन गया। फरमाने लगे पियो सारे, सारे पियो। कहते हैं हम अपने अपने कमरों में बर्तन लिए, पेट भर के पिया, ख़त्म नहीं हुआ। कहते सुबह उठ के फिर पिया, फिर ख़त्म हो गया। कहते एक दिन फिर इसी तरह का कोई सिलसिला बना, बारिश बड़ी ज़्यादा थी तो हम नहीं खाना लेने जा सके। कहते उस दिन हमने आपस में ना मशवरा किया कि भाई अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मैंने उसका भी पता चल गया दूध बनाने वाला है। कहते हम सब ने क्या किया कि वो बर्तनों में दूध भरा और पानी भरा और रख गए। हमने कहा भाई मुफ्ती साहब ने तो पढ़ी भी सादी थी, ठीक है जी, बा भी होंठों के तर हिस्से से नहीं निकला, सीन पे सीटी भी नहीं, मीम खुश्क हिस्सों से नहीं निकला, हा का मखरज भी ठीक नहीं था, तो हमारे तो मखारज भी बड़े ठीक है, तरतील भी बड़ी अच्छी है। अल्लाह, कहते हमने रख लिए बर्तन सामने और हम हो गए शुरू सारे, ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते दो दिन ही बड़े तो हम बड़े हैरान, भैया क्या हुआ। कहते हमने कहा फिर ट्राई मारते हैं। कहते हमने फिर मारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते दूध फिर भी नहीं बढ़िया। कहते हम ट्राइयां मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, सांस फूल गए, हजारों की तादाद पे हम चले गए लेकिन कहते दूध नहीं बना। कहते उतनी देर में बारिश कम हो गई, किबला शेखुल हदीस साहब तशरीफ ले आए मुफ्ती साहब, तो क्या देखते हैं कि सारा मदरसा सामने बर्तन रख के ना पानी का दूध बनाने में मसरूफ है। फरमाने लगे भाई ये क्या कर रहे हो। कहते हजरत बारिश बरस रही थी, भूख लगी थी, नुस्खा में पता चल गया है, तो हमने कहा चलो हम भी बनाते हैं। लेकिन हजरत आपकी तो एक बिस्मिल्लाह ने बना दिया, हम तो हज़ारों बार पढ़ चुके हैं, नहीं बनाया है। कहते हैं उन्होंने कहा लाओ रखो सारे। कहते हमने रखा, उन्होंने फिर वो सादी सी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते उन्होंने फिर भूख मारी, कहते दूध बन गया। कहते पियो।
वो मुफ्ती साहब फरमाने लगे, आप फरमाते हैं मैंने शेखुल हदीस साहब की बारगाह में अर्ज़ की मैं हुजूर दूध नहीं पीना सी कोई। उन्होंने पूछा वो क्यों, कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर प्याले दसो कि दूध बनता किवें है। बिस्मिल्लाह आपकी भी वही है, बिस्मिल्लाह हमारी भी वही है। अगर देखा जाए तो हमारे मखारज भी ठीक थे, हमारा तलफ़ भी ठीक था, हमारी अदायगी भी ठीक थी। आप हे पढ़ रहे हैं, हमने ही पढ़ा है, तो हमसे दूध नहीं बना। उनका नहीं, इस बात को छोड़ो, तुम जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, तुम दूध पियो। मुझे फरमाते मैंने कहा नहीं है दूध नहीं पीना। दसो फ़र्क की, बिस्मिल्लाह आपकी भी वो, बिस्मिल्लाह हमारी भी वो, आपका उसी तरह का मुँह, हमारा भी उसी तरह का मुँह, आपके मुँह में भी एक ही ज़ुबान, हमारे मुँह में भी एक ही ज़ुबान, लेकिन हमारी बिस्मिल्लाह से दूध नहीं बना, आप किसे किस तरह बन गया। तो कहते हैं हजरत आगे से फरमाने लगे, भाई गल है वे हैं, बिस्मिल्लाह तो एक जही है लेकिन मुँह एक जहा नहीं कोई है, मुँह एक जहा नहीं है। तुम जिसा फरमाते हैं हमने अर्ज की हुजूर की फ़र्क एक जहा ही है। फरमाने लगे साख के लिहाज से एक जहा है लेकिन है एक जहा नहीं। कहते हमने अर्ज की हुजूर फ़र्क क्या है, तो फरमाते हैं उन्होंने आगे से फरमाया ये वो मुँह है, ये वो जुबान है जिससे आज तक कभी झूठ नहीं निकला है, ये वो जुबान है जिसने आज तक कभी गाली नहीं दी है, ये वो जुबान है जिसने आज तक कभी किसी की चुगली नहीं खाई है, ये वो जुबान है जिसने आज तक कभी किसी की गिबत नहीं की है, ये वो जुबान है जिसने आज तक कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, ये वो मुँह है जिसमें जब भी लुकमा गया है हलाल का ही गया है। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह तो एक ही है, मुँह एक जैसा नहीं है। जिस दिन मुँह भी मेरे वाला ले आओगे ना उस दिन तुम्हारी भी एक बिस्मिल्लाह दूध बना देगी हैं।